नमस्कार दोस्तों, आशा करते हूँ आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है कि सपने में अगर आप भगवान राम जी को देखते हैं तो इसका क्या फल होगा। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में और सपनों के बारे में पूरी बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाती है। तो हम आज बात करेंगे भगवान राम जी के बारे में। देखिए भगवान, आपको सपने दो तरह के आते हैं, ये लोगों को सपने आते हैं। एक तो कुछ लोगों को सपने आते हैं जो बिल्कुल ही मतलब सच आते हैं, और जो उनके साथ होना होता है बिल्कुल ही कहते हैं ना पारदर्शी आते हैं। एक दूसरे सपने आते हैं जिसका हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है, हमें उनको समझना पड़ता है भी उस सपने का अर्थ क्या है, उस सपने का मतलब क्या निकलता है। तो अगर भगवान राम जी सपने में दिखते हैं तो इसका अर्थ कई प्रकार निकलता है। जैसे कि एक शुभ सपना है, सबसे पहले तो आपको बता दें, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जो भगवान राम जी की सेवा करते हैं, भगवान राम जी को मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो उनको अगर भगवान राम जी दिखाई देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ सपना है। देखिए भगवान राम जी विजय का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, मतलब आपकी विजय होगी, आप जीतेंगे। अगर आपका कोई केस मुकदमा या कुछ भी चल रहा है, या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें आपकी विजय होगी। और अगर सपना आपको रात को आता है या सुबह जल्दी जल्दी आता है, सुबह जल्दी के सॉरी सुबह अर्ली मॉर्निंग के समय आता है, तो इसका अर्थ ये है। देखिए जो एक्सपीरियंस है खुद का मैं बता रही हूँ, अगर भगवान राम जी सपने में दिखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ा जानबूझकर मोल ले सकता है, पर उसके उसमें आप विजयी रहेंगे, लड़ाई झगड़ा आप नहीं करेंगे। अच्छाई की हमेशा जैसे जीत होती है, वैसे ही आपके साथ बिना किसी वजह से कोई लड़ाई या झगड़ा मोल ले सकता है, और जिसमें कि आपकी जीत होगी, आप विजयी होंगे। ठीक है, जैसे कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, वैसे ही इस चीज़ का प्रतीक है कि आपका लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हो सकता है, बिना किसी वजह से आपको कोई परेशान कर सकता है, तंग कर सकता है, और उसको मुँह की खानी पड़ेगी। इसका जो सही अर्थ है, स्टीक है, अर्थ है सपने का, वो ये है। ठीक है, तो बाकी सब आशा करते हैं आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम।